आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए आज का सवाल है फलन f(x) समीकरण f^2 +4 f′(x) / f(x) f′(x) का वर्ग बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो फलन है। ठीक है, तो यहां पर हमें फलन बताना है। देखिए हमें समीकरण दी हुई है f^2 +4 f′(x), ठीक है, और यहां पर f(x) प्लस f′(x) का वर्ग बराबर 0। तो यहां पर दोस्तों हम f(x) को y मान लेते हैं, ठीक है, f(x) को y मान लेते हैं, ठीक है, माना। और यहां पर जो f′(x) है ये हमारा हो जाएगा dy/dx। चलिए मान रखते हैं, तो ये y का वर्ग प्लस 4, ये वाला y हो जाएगा, तो 4y, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और f′(x) को dy/dx लिख दिया, तथा प्लस ये हमारा dy/dx है, और उसका फिर यहाँ पर वर्ग है बराबर 0। तो देखिए मैं इसको कुछ द्विघात समीकरण के रूप में लिखता हूँ, dy/dx का वर्ग प्लस 4y dy/dx प्लस y का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो उसके लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे, जो होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण अगर a x का वर्ग प्लस b x प्लस c है बराबर 0, तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है -b (-)(√b²-4ac/2a, ठीक है, और यह वर्गमूल हमारा यहां तक होता है। तो देखिए dy/dx हमें निकालना है, तो यहां पर a का मान हमारा 1 हो जाएगा, b का मान हमारा 4y हो जाएगा, और c का मान हो जाएगा y का वर्ग। तो देखिए -b (+)(4y) + -√b²(-4ac), तो 4, a का मान 1 और c का मान y का वर्ग / देखिए 2a, तो a की मान है 1, ठीक है, इसको हल करेंगे तो यह होगा dy/dx बराबर -4y + -√(4)y²-4y²2, ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यह होगा -4y + ये हो जाएगा हमारा 16 में से 4 जाते हैं तो 12y²/2 -4y + 12 में से 2 × 2 = 4, y बाहर आ जाएगा, वर्गमूल में 3 हो जाएगा, / 2, तो अंश में से हमने 2y को अभिनिष्ट लिया, ये हो जाता है -2 + √3/2, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो हमें मिलता है dy/dx का मान, और वह है y -2 + √3, ठीक है। तब हमने y वाले पदों को एक तरफ कर लिया, तो dy/y = -2 + √3/dx। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है, तो समाकलन, ठीक है, करना है,
यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना है, तो उसको हम लिख देंगे समाकलन डी वाई बटे वाई बराबर, यह तो एक कांस्टेंट अचर संख्या है, गुणक है ये dx का, तो इसको आगे लिख देंगे माइनस दो प्लस माइनस वर्गमूल तीन, और हमें समाकलन करना है dx का, ठीक है। तो एक बटे वाई का समाकलन log y होता है बराबर माइनस दो प्लस माइनस वर्गमूल तीन, और x का समाकलन यहाँ पर dx का समाकलन x होता है। समाकलन करने पर एक अचर संख्या यहाँ k जोड़ देते हैं, ठीक है, वो जोड़नी होती है, तो यहाँ पर हमने उसको k जोड़ दिया। देखिए अब अगर हम y निकालेंगे तो ये हो जाएगा e की घात माइनस दो प्लस माइनस वर्गमूल तीन एक्स प्लस के, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर e की घात में है ये पूरा, इसको हम लिखेंगे e की घात माइनस दो प्लस माइनस वर्गमूल तीन एक्स, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो इसको गुणा में e की घात के लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये y बराबर चल रहा है, तो y बराबर e की घात माइनस दो प्लस माइनस वर्गमूल तीन एक्स, और अब e की घात के जो कि एक अचर संख्या है, तो इस अचर संख्या को मैंने लिख दिया सी, तो यह बन जाएगा y बराबर सी e की घात, ठीक है, यहां पर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, सी इंटू e की घात माइनस दो प्लस माइनस वर्गमूल तीन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है, ठीक है, जो फलन हमसे पूछा गया था, y को हमने लिया एफ ऑफ एक्स बराबर सी e की घात माइनस दो प्लस माइनस वर्गमूल तीन, तो दिए गए फलन को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।